हेलो डियर स्टूडेंट, टुडे वी विल रीड चैप्टर फर्स्ट ऑफ क्लास सिक्स नाइन आर नंबर। आज हम कक्षा छः का जो पहला अध्याय है अपनी संख्याओं की जानकारी, उसका तीसरा क्वेश्चन पढ़ेंगे पेज नंबर थ्री का। इन आवर प्रीवियस वीडियो वी हैव रीड फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन। हमने अपने पिछले वीडियो में पहला और दूसरा क्वेश्चन पढ़ा था, आज हम तीसरा क्वेश्चन पढ़ेंगे। थर्ड क्वेश्चन इज मैच द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट फोर डिजिट नंबर यूजिंग एनी फोर डिफरेंट डिजिट विच कंडीशन अस गिव अस। दिए गए निर्देश अनुसार या निर्देशों का उपयोग करते हुए चार अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या हमें बनानी है इस क्वेश्चन में। फर्स्ट एक के अंदर हमें संख्याएं बनी हुई दे रखी है क्वेश्चन में, इसी प्रकार हमें आगे की संख्याएं बनानी है। सो डिजिट सेवन इज ऑलवेज एट वंस प्लेस। अंक सात हमेशा जो है इकाई के स्थान पर रहे, ऐसी संख्या बनानी है ग्रेटेस्ट, और ऐसी संख्या बनानी है हमें स्मॉलेस्ट यानी सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनानी है जिसमें इकाई के स्थान पर सात रहे। So, as you know, to make a greatest number, the greatest digit written first, then smaller than it, and the smallest is written after. जैसा कि हमें पता है कि सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए सबसे बड़ा अंक पहले लिखा जाता है और उसके बाद उससे छोटा अंक लिखा जाता है और उसके बाद उससे छोटा और सबसे छोटा अंक सबसे बाद में लिखा जाता है। इसी प्रकार ये संख्या बनी हुई है और as you know counts range is 1 to 9 digit। जैसा हमें पता है जो अंक होते हैं वो 1 से 9 तक होते हैं और उन्हीं अंकों का प्रयोग करके हम बड़ी और छोटी संख्या बनाते हैं। So let's see first question। So 9, 8, 6 and 7। जैसा इसमें दे रखा है कि इकाई स्थान पर 7 रहे, तो 7 इकाई स्थान पर है और बाकी ग्रेटेस्ट नंबर बनाने के लिए जैसा मैंने बताया तो मैं के ग्रेटेस्ट नंबर ग्रेटेस्ट डिजिट रिटर्न फर्स्ट। सो ग्रेटेस्ट डिजिट इज 9। सो सबसे बड़ा अंक 9 होता है इसलिए 9 को पहले लिखा गया, उसके बाद उससे छोटा अंक लिखा गया। तो इस तरह हमें चार अंकों की संख्या बनानी है। इसी तरह स्मॉलेस्ट नंबर छोटी संख्या बनाने के लिए टू मेक ए स्मॉलेस्ट नंबर द स्मॉलेस्ट डिजिट रिटर्न फर्स्ट देन ग्रेटेस्ट एंड देन इट एंड द ग्रेटेस्ट इज रिटर्न आफ्टर। इसी प्रकार हमें यदि छोटी संख्या बनानी है तो सबसे छोटा अंक पहले लिखा जाएगा, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा अंक और सबसे बड़ा अंक सबसे बाद में लिखा जाता है। इसी तरह इसमें देखिए जो जीरो है, जीरो भी इसमें इंक्लूड होता है और हमेशा जब अंकों की संख्या बनाई जाती है, चार अंकों की बड़ी संख्या, पांच अंकों की या छोटी संख्या बनाते हैं तो हमेशा ये ध्यान रखना है जीरो पहले कभी नहीं लिखा जाता है। सो जीरो से बड़ा अंक जो वन होता है उसको पहले लिखा जाता है, उसके बाद जीरो का उपयोग किया जाता है। सो सबसे छोटा अंक वन, उससे छोटा जीरो, वन से बड़ा टू और टू से बड़ा सेवन। इसी प्रकार हमें आगे की संख्याएं बनानी है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन बी डिजिट फोर इज ऑलवेज एट 10 प्लस। अंक चार हमेशा सदैव जो दाई के स्थान पर रहे, ऐसी हमें संख्या बनानी है। तो जो फोर है वो 10 प्लस पर है, ग्रेटेस्ट बनाने के लिए भी 10 प्लस पे वंस टेंस। सो टेंस पर फोर रहे और हमें ग्रेटेस्ट डिजिट जो फोर द ग्रेटेस्ट फोर डिजिट नंबर की जो संख्या हमें बनानी है। सो द ग्रेटेस्ट डिजिट रिटर्न फर्स्ट, तो ग्रेटेस्ट डिजिट इज 9। सबसे बड़ी अंक सबसे पहले लिखा जाएगा तो सबसे बड़ा अंक होता है 9 एंड आफ्टर 9 8 एंड आफ्टर 8 जो 4 है वो हमेशा सदैव इकाई ये दाई के स्थान पर रहे और 8 से जो छोटा अंक होता है वो होता है 7। तो इस प्रकार हमें संख्याओं को राइट करना लिखना है, सबसे बड़ा अंक पहले फिर उससे छोटा और फिर उससे छोटा। इस प्रकार हम चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या बना सकते हैं। सो
यदि अंक चार हमेशा दाए के स्थान पर रहे तो बनने वाली जो सबसे बड़ी संख्या होगी वो होगी 9847। इसी तरह चार अंकों की सबसे छोटी संख्या हमें बनानी है और चार जो है फोर वो सदैव ढाई के स्थान पर रहे। एज यू नो टू मेक ए स्मॉलेस्ट नंबर सो द स्मॉलेस्ट डिजिट रिटर्न फर्स्ट, तो स्मॉलेस्ट डिजिट इज जीरो लेकिन जीरो सॉरी द स्मॉलेस्ट डिजिट इज वन लेकिन वन का उपयोग पहले सॉरी जीरो का उपयोग पहले नहीं करते हैं, तो सबसे पहले हमें स्मॉलेस्ट डिजिट फर्स्ट वन का उपयोग करना है। सो राइट वन एंड आफ्टर वन राइट जीरो और वन के बाद जीरो को उपयोग करना है और वन से जो बड़ा होता है अंक वो होता है टू। तो अगर छोटी संख्या बनानी है तो हमें सबसे छोटा अंक पहले लिखना है फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा और सबसे बड़ा अंक सबसे बाद में लिखा जाता है। राइट इसी प्रकार हम आगे की जो सी और डी है उसमें भी इसी प्रकार चार अंक की सबसे बड़ी और चार अंक की सबसे छोटी संख्या बनाएंगे। सो डिजिट 9 इज ऑलवेज 800 प्लेस, अंक 9 सदैव सैकड़े के स्थान पर आए जैसा कि इसमें दिया हुआ है वंस 10 100 100 के प्लेस पर 9 लिखा हुआ है। अगर हमें ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है सो रिटर्न फर्स्ट ग्रेटेस्ट डिजिट रिटर्न फर्स्ट सबसे पहले बड़ा अंक लिखेंगे। सो 9 द ग्रेटेस्ट डिजिट इज 9 आफ्टर 9 स्मॉलर डिजिट इज 8 आफ्टर 8 स्मॉलर डिजिट इज 7 सो द फोर डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर इज 9987 एंड नेक्स्ट स्मॉलेस्ट नंबर टू मेक ए स्मॉलेस्ट नंबर द स्मॉलेस्ट डिजिट रिटर्न फर्स्ट सो स्मॉलेस्ट डिजिट इज 1 आफ्टर 1 राइट 0 एंड आफ्टर 0 राइट 2। हमें पता है कि 0 पहले नहीं लिखा जाता है, 0 से पहले अगर छोटी संख्या बनानी हमें तो 1 लिखेंगे तो फर्स्ट 1 1 के बाद में हम 0 का उपयोग कर सकते हैं और फिर उसी प्रकार क्रम से हम चलते जाएंगे आगे। तो सबसे छोटी छोटा अंक पहले फिर उससे बड़ा और सबसे बड़ा अंक सबसे बाद में। तो चार अंकों की सबसे छोटी संख्या जो बनने वाली है इस कंडीशन के अकॉर्डिंग वो होगी 1902 एंड नेक्स्ट डिजिट 1 इज ऑलवेज 8000 प्लस, अंक 1 सदैव 1000 के स्थान पर रहे। तो ऐसी संख्या हमें बनानी है सबसे बड़ी और सबसे छोटी के जो एक है वो 1000 के स्थान पर रहे। तो यहाँ पे देखिए वंस टेंस हंड्रेड एंड थाउजेंड प्लेस पर वन लिखा हुआ है। तो ग्रेटेस्ट फोर डिजिट नंबर सो रिटन फर्स्ट द ग्रेटेस्ट डिजिट इज 9 एंड आफ्टर 9 8 एंड आफ्टर 8 7। जैसा आपको पता है बड़ी संख्या बनाने के लिए सबसे बड़ा अंक पहले फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा। तो चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो बनेगी द ग्रेटेस्ट फोर डिजिट नंबर इज 1987 एंड द स्मॉलेस्ट फोर डिजिट नंबर इज सो फर्स्ट 1 एंड आफ्टर 1 0 आफ्टर 0 2 एंड आफ्टर 2 3। इस तरह अगर छोटी संख्या बनानी है सबसे छोटा अंक पहले फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा। इस प्रकार हमें चार अंकों की छोटी और बड़ी संख्याएं बनानी है। इसी तरह आप भी कुछ कंडीशन का उपयोग करके छोटी और बड़ी संख्या बनाने का प्रयास करें। क्वेश्चन नंबर 4 टेक टू डिजिट से 2 एंड 3 मेक फोर डिजिट नंबर यूजिंग बोथ द डिजिट इक्वल नंबर ऑफ टाइम। दो अंक 2 और 3 लेना है उपयोग करना है 2 और 3 का एंड मेक फोर डिजिट नंबर यूजिंग बोथ द डिजिट इक्वल नंबर ऑफ टाइम और चार अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनानी है अंकों का समान बार दोहरान करके यानी समान बार लेना है। यदि हम 2 को 2 बार ले रहे हैं तो 3 को भी 2 बार ही लेना है। इस प्रकार बनने वाले चार अंकों की जो संख्या है वो बनानी है हमें जितनी भी संख्या बनती इन अंकों से लेकिन अंक का समान बार दोहरान होना चाहिए एंड नेक्स्ट विच इज द ग्रेटेस्ट नंबर फिर उनमें से बतानी कौन सी सबसे बड़ी संख्या है
एंड विच इज द स्मॉलेस्ट नंबर, और उनमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है। सो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन फोर। फर्स्ट मेक ए नंबर यूजिंग डिजिट टू एंड थ्री। तो हम संख्या बनाते हैं दो और तीन जो अंक है उनका उपयोग करके जो संख्या बनती है वो बनाते हैं। फर्स्ट फर्स्ट नंबर समान बार दोहरान होना चाहिए, तो पहले हम चार अंक की संख्या बननी चाहिए, तो दो का दो बार उपयोग करेंगे और तीन का दो बार। जो पहली संख्या हमारे पास बनी 2233, इसी तरह और अंक बनाएंगे। अब हम बनाएंगे 33 पहले ले लिया और 22 बाद में ले लिया। तीन का भी दो बार दोहरान हो रहा है, दो का भी दो बार दोहरान हो रहा है। और भी हम संख्या जो बनती है वो बना सकते हैं, सेकंड एंड थर्ड। सो 2, 3 एंड 2, 3, दो का दो बार उपयोग हुआ है, तीन का भी दो बार उपयोग हुआ है, समान बार इनको दोहराना है। फोर्थ 3, 2, 3, 2, तीन का दो बार उपयोग हुआ, दो का भी दो बार उपयोग हुआ। नेक्स्ट फिफ्थ जो नंबर है वो बनाना अपने को, 2, 3, 3, 2, दो का दो बार उपयोग, तीन का भी दो बार उपयोग। इनका बस स्थान चेंज करते जाना है, कोई भी संख्या दोबारा रिपीट ना हो ये ध्यान रखें हम। एंड नंबर 6, 3, 2, 2, 3, इस प्रकार हमें जो है संख्याएं बनानी है। इसके अलावा भी यदि कोई संख्या बनती है तो बनाना चाहिए, बस इन अंकों से जो संख्या बनती है वो यही होगी, क्योंकि सबका हमने स्थान देख लिया है। और अब इसमें से हमें जो ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर है और जो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर है वो लिखना है। तो ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर, चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या इसमें है वो हमें बतानी है। तो चार अंकों की सबसे जो बड़ी संख्या है वो होगी 3322, 3322। इन अंकों से बनने वाली जो चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या वो होगी 3322। और अब बताना विच इज द स्मॉलेस्ट नंबर, कौन सी सबसे छोटी संख्या है। सो नेक्स्ट द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर इज 2233। यह है 2233। और ये देखो 2000 की जो संख्या, एक तो ये है, एक ये है और एक ये है। इसमें देखिए सबसे जो छोटी संख्या है वो कौन सी है, 2300, ये भी 2300 और ये है 2200। तो सबसे छोटी संख्या हुई 2233। इस प्रकार हमें ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। इससे बनने वाली, इन अंकों से जो बनने वाली संख्या थी वो अपने पास को लाई थी 6 संख्याएं जो है दो और तीन का उपयोग कर हम बना सकते हैं, और इनमें हमें छोटी और बड़ी संख्या भी पता कर सकते हैं। आप भी ऐसे कुछ उदाहरण लेकर, कुछ अंक लेकर उनसे बनने वाली सारी संख्याएं हमें लिखनी चाहिए, और उसमें से हमें सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्याओं का पता लगाना चाहिए।